वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश प्रावीण्य। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 67, जहां पर हम देखेंगे कि नरेशन क्या होता है, इसकी यूजेस क्या होते हैं और कब और किस कंडीशन में हमें नरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश का जो सबसे टफ लेसन होता है वो नरेशन होता है, बट आई प्रॉमिस, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने नरेशन की पूरी सीरीज देख ली तो आपको नरेशन बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। बट लेशन को शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि आखिर इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। और एक बात को और माइंड कीजिए कि नरेशन एक दिन में या एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता, इस बात को माइंड कीजिए। नरेशन के जो रूल्स होते हैं ना, वो रोज के रोज एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे, यानी प्लस होते जाएंगे। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 20 का वीडियो उठाकर देख लीजिए और आपको नरेशन समझ में आ जाए, आपको पूरी सीरीज उसकी वॉच करनी होगी। यानी लेसन नंबर अगर 67 से नरेशन स्टार्ट हुआ है तो जब तक वो खत्म हो जाए तब तक आप उसको वॉच करते रहिए, आपको नरेशन बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले कि हमें नरेशन की जरूरत क्यों पड़ी और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इंग्लिश का एक वर्ड होता है क्या, नरेट, और नरेट का मतलब होता है क्या, बयान करना यानी कहना। और नरेट से बन गया क्या हमारा नरेशन, जो कि मैंने लिखा है NARRATION। अब ये जो हमारा नरेशन है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा क्या, डायरेक्ट, और दूसरा हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट। इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन या फिर डायरेक्ट स्पीच, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। यानी नरेशन दो प्रकार का होगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। और इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आखिर हमें नरेशन की जरूरत कब पड़ी। तो माइंड कीजिए, दो लोगों के बीच की बात है, जब उसको किसी और से शेयर किया जाए तो हमें नरेशन की जरूरत पड़ती है। मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। सोचिए कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा व्यक्ति हमारे पास ये हो गया। अगर ये हमारा ए है और ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगर ए बी से कुछ कहे, वो कुछ भी कह सकता है, इस बात को माइंड कीजिए। तो अगर ए बी से कुछ कहे और बी उसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर करे, ये तीसरा व्यक्ति हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया, सी। तो बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए ने बी से कुछ कहा और बी ने उसी बात को किसको बताया, सी को बताया। और ऐसी कंडीशन जहां पर किसी की कही गई बात को कोई व्यक्ति है जो दूसरों को बताता है, तभी हमें नरेशन की जरूरत पड़ती है। सोचिए कि ए है और बी के पास आता है और वो कहता है कि यू आर अ गुड प्लेयर, यू आर अ गुड प्लेयर। ऐसा किसने कहा, ए ने कहा, और किससे कहा उसने, बी से कहा। अगर ये बी इस बात को यहीं पर खत्म कर दे, ये किसी को ना बताए कि ए ने उससे क्या कहा, तो हमें नरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर ये बी एक ही कही गई बात को किसी और को बताएगा तो उस कंडीशन में हमें नरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो इस बात को माइंड कीजिए कि जो ए ने बी से कहा था तो बी के पास दो ऑप्शन होंगे उसको बताने के लिए। जैसे सोचिए कि ए ने बी से कहा कि यू आर अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर जो गुड प्लेयर है वो कौन होगा, ये बी होगा, होगा ना। तो अगर बी ने एक ही कही गई बात को एज इट इज किसी और को बता दिया तो वो हमारा कहलाएगा क्या, डायरेक्ट नरेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और समझिए कि अगर ये कोई लड़का है तो लड़का क्या होता है, ही होता है। अब सोचिए कि लड़का मेरे पास आता है और वो कहता है कि यू आर अ गुड प्लेयर, कि जो बी था वो कौन बन गया, मैं बन गया, तो मैं यहां पर क्या बन जाऊंगा, मी। अगर इसी बात को मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपसे यही कहूंगा ना कि उसने मुझसे कहा। अब उसने मुझसे कहा, ये सेंटेंस हमारा कहां का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। उसने का मतलब किसने, इस लड़के ने, और इस लड़के के लिए मुझे क्या रखना होगा, ही लिखना होगा, तो हमने ही लिख दिया। और सेंटेंस क्या बन रहा, तो सुनिएगा कि उसने मुझसे कहा, तो मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, सैड टू मी। जहां पर ये सैड क्या है, से की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसने मुझसे कहा का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया और क्या बोला मैंने, ही सैड टू मी। तो ध्यान दीजिए, ये बात एक ही कही गई बात मैं किसको बताने जा रहा हूँ, सी को बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला है सी से, कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, और क्या कहा था उसने, यू आर अ गुड प्लेयर।
और जितने शब्द उसने यूज किए, जैसा उसने यूज किया, जैसा स्टेटमेंट उसने मुझे बताया या फिर मुझसे बोला, मैंने उसके शब्दों में कोई बदलाव ना करके सी को बता दिया। तो उसने कहा था यू आर अ गुड प्लेयर, और इस सारी चीजों को मैं यहाँ पर कॉपी करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, यू आर अ गुड प्लेयर। देखिए ध्यान से मैंने क्या लिखा है कि यू आर अ गुड प्लेयर इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। हमारा जो ये साइन है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, इन्वर्टेड कॉमा। और किसी की कही गई बात को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है, तभी जाकर वो हमारा क्या कहलाता है, डार्क नरेशन। यानी कहने का मतलब ये था कि किसी की कही गई बात को अगर मैं बिना परिवर्तित किए किसी और से कह दूं तो वो हमारा क्या कह रहेगा, डायरेक्ट नरेशन, या फिर उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अगर पहचानने की बात है कि डायरेक्ट स्पीच कैसे पहचानी जाए, तो बहुत आसान है, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखेगा, और इसी इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का मतलब होगा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदल देना। तो माइंड कीजिए कि अगर मैंने एक ही कही गई बात को सी को बताया, लेकिन मैंने उसके किसी भी शब्द में किसी भी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट नरेशन, या फिर वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। लेकिन अगर एक ही कही गई बात को बी, बी का मतलब मैं कुछ इस प्रकार से बोलूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैंने आपसे कहा ही टोल्ड मी दैट, अब ये बता सकते हैं आप इस यू का मतलब किससे था। याद रखिए आपको हर एक प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या, यहाँ पर कभी यू आएगा इस सेंटेंस में, कभी मी आएगा, कभी योर आएगा, कभी माई आएगा, इस सब का आपको रिलेशन बनाना होगा, और रिलेशन किससे बनाना होगा, इस सब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट से। तो ध्यान से देखिए, ए ने कहा था कि यू, यू का मतलब कौन हो गया, बी, और बी का मतलब तो मैं था ना। तो माइंड कीजिए ए ने बी से कहा कि यू आर अ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर गुड प्लेयर कौन हो गया, ये बी हो गया। बी का मतलब कौन, मी, तो ये मी जो था ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और अगर इसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं क्या बनूंगा यहाँ पर, आई। खुद से सोचिए कि कोई लड़का है मेरे पास आता है और वो कहता है कि यू आर अ गुड प्लेयर, तो अच्छा खिलाड़ी कौन हो गया, मैं हो गया ना। अगर मैंने आपसे कहा होता कि उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा खिलाड़ी, ये जो मैं था ये क्या था, इसके कहे गए वाक्य में बदलाव था, क्योंकि इसने यूज किया था क्या, यू, और अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर आई लिख रहा हूँ, और जैसे ही मैंने उसके शब्दों में बदलाव कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो कहने का मतलब यही था कि किसी की कही गई बात में परिवर्तन ना करना, जैसा उसने कहा था एज इट इज आपने किसी और को डिलीवर कर दिया यानी बता दिया, तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट नरेशन, और अगर आपने परिवर्तन कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पर टोल्ड कैसे आया, दैट कैसे आया, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बस इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक स्पीच बची है और वो क्या है, ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, और ये हमारी स्पीच कौन सी कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक ही कही गई बात में कोई परिवर्तन नहीं किया, और इस स्पीच को किस में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। क्या आप देख सकते हैं ये जो स्पीच थी ना, इसके दो पार्ट थे, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट, और दूसरा हमारा क्या था, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट। अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा कहलाता है क्या, रिपोर्टिंग, आर ई पी ओ आर टी आई एन जी, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का पार्ट होता है ना वो कहलाता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच, आर ई पी ओ आर टी ई डी, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, कहने वाला होता है और सुनने वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि सुनने वाला यहाँ पर उपस्थित नहीं होता, जैसे सोचिए कि आप किसी कमरे में यानी बंद कमरे में बात कर रहे हैं, तो मुझे आपकी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन आपने ये बात किससे कह दी ये तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। तो माइंड कीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट कभी आ सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं आता। उस सारे कॉन्सेप्ट को मैं धीरे धीरे करके क्लियर करूंगा, बस आपको सारी वीडियोस को आराम से वॉच करते जाना है। तो माइंड कीजिए ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में कहने वाले और सुनने वाले, और ये जो कुछ भी कहेगा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाएगा, और वो कहलाएगी क्या, रिपोर्टेड स्पीच, यानी इसके द्वारा कहा गया पूरा वाक्य। अब एक चीज और माइंड करनी है,
ये जो रिपोर्टिंग स्पीच थी इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या था और इसको कैसे हम आगे रोज में इसको यूज करेंगे वो सारी चीजें ध्यान से देखिए। तो यहां पर देखिए जो ही था ना, ये वाला ही, ये हमारा क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और ये जो सैट थी ना ये हमारी क्या कहलाएगी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। यहां पर ये जो मी है ना ये हमारा क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपको इसको फुल फॉर्म में लिख लेना है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि आगे चल के मैं आपसे ही बोलूंगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग वर्ब। ये सारी चीजें आपको पहले से बननी चाहिए तभी जाके आगे काम बनने वाला है। अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्या कि इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। उसके पहले आप ये समझिएगा कि आज हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये किसमें है, पास्ट में है। रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकती है और अंदर का सेंटेंस सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH का भी हो सकता है। पहले बात करते हैं क्या कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसकी शुरुआत कहां से हो, सब्जेक्ट से हो, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल हो। अब फ्रेंड्स माइंड कीजिएगा मैं आपको रोल्स बताने जा रहा हूं। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है यानी ये वाली स्पीच ये पास्ट में ही होनी चाहिए, इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो इसके रोल्स बदल जाएंगे। तो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसकी शुरुआत कहां से हो, सब्जेक्ट से हो, तभी जाके सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो पहला रूल सुनिएगा कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होने पर हमें सेट टू को टोल में बदल देना है। तो पहला काम हमें करना होगा क्या कि जो रिपोर्टिंग हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें यहाँ पर चुपचाप कॉपी कर लेना है। तो चलिए रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद हमें ये देखना होगा क्या हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा मी, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। और ऐसी कंडीशन में इस सेट टू को पूरा का पूरा हटा देना है और इसकी जगह मुझे क्या लिखना होगा, टोल लिखना होगा। और फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। तो माइंड कीजिए रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो और रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य है वो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो, सबसे पहला काम होगा क्या कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को आप कॉपी करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होने पर सेट टू को टोल में बदलेंगे और फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको तोड़ने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, दैट का यूज करना होगा। तो दैट हमने यूज कर लिया। इसके ठीक बाद आपको सब्जेक्ट रखना होगा, बट आपको सब्जेक्ट रखते समय खुद का सेंस यूज करना होगा कि आखिर जो ये सब्जेक्ट हमने यू यूज किया है ये किसके लिए। सोचिए कि इसने कहा था ही सेड टू मी यू, इस यू का मतलब कौन, मी से हो गया ना, क्योंकि कोई लड़का है जो मेरे पास आता है और वो कहता है यू आर अ गुड प्लेयर, तो अच्छा खिलाड़ी कौन हो गया, मैं। और उसकी बातों में हमें परिवर्तन करना है तभी तो जाके वो क्या बनेगा हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन। तो इस यू का मतलब किससे था, मी। इस मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो बहुत बेसिक स्टेप है, इसको समझिएगा, इसको करके देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी जाके काम बनने वाला है। अब दूसरी बात माइंड कीजिए कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में इस एमआर का प्रयोग किया गया है तो उस इस एमआर को हम लोग वॉस वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आई तो लिख दिया, अब यहाँ पर क्या लिखा था, आर, लेकिन यहाँ पर आपको एम नहीं लिखना होगा क्योंकि इस एमआर को हमें वॉस वर्ब में बदलना है और आई के साथ क्या लगाना पड़ता है, वॉस। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वॉस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अ गुड। तो अब ध्यान से देखिए ये हमारा क्या था, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या होगी है, इनडायरेक्ट स्पीच। बस नरेशन में हमें यही पढ़ना होगा कि हर बार हमें डायरेक्ट स्पीच मिलेगी और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बदल देना होगा। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो अगर मैंने आपसे कहा होता सी सेड टू मी, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अब बात फिर से हो रही है लेकिन कोई लड़की है जो कि मुझसे बात कर रही है और वो क्या कह रही है, सी सेड टू मी आई एम अ गुड प्लेयर। तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो अच्छा खिलाड़ी है वो कौन है, इस आई का मतलब क्या होगा, सी से होगा। सोचिए और समझ के देखिए, फील कीजिए, कोई लड़की आपके पास आती है और वो कहती है कि आई एम अ गुड प्लेयर, तो अच्छी खिलाड़ी कौन हो गई, वो लड़की ना। तो यहाँ पर क्या बनने वाला, ध्यान से देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग सब्जेक्ट वो कॉपी कर लिया हमने, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट था तो सेट टू को किसने बदल दिया, टोल्ड में।
इसके ठीक बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें क्या रखना होगा, दैट वो भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस सब्जेक्ट को हमें बदलना है, तो इस आई का मतलब किससे हो गया, सी से, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। और सी के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ता है, वाजी तो लगाना पड़ता है। तो सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो चुका है, ये डायरेक्ट स्पीच थी जिसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदल चुके हैं, और वो क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज अ गुड प्लेयर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस लीजिए और उसको आपस में चेंज करने की कोशिश कीजिए, यानी एक डायरेक्ट स्पीच लिखिए और उसको इनडायरेक्ट में बदलिए। बट आपको माइंड ये करना होगा कि जब भी आप सब्जेक्ट को बदलेंगे तो आपको उसका रिलेशन बनाना होगा, तभी जाके काम बनने वाला है। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा नरेशन आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था और मैंने आपसे कहा था क्या कि सैड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। ऐसा एग्जांपल मैंने आपको लेसन नंबर 67 में बताया था और क्या लिखा था, ही सैड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर। आज उसी एग्जांपल को मैंने फिर से लिखा है, जहां पर सेंटेंस में दो पार्ट है, एक तो हमारा क्या हो गया ये वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा है, और दूसरा हमारा क्या हो गया इन्वर्टेड कॉमा की अंदर वाला पार्ट। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर माइंड कीजिए, ये जो ही था ना ये हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। सैड क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो मी था वो हमारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हमें इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, वो सारी चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है। फिर हमें ये देखना होगा कि अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो सैड टू को हम लोग क्या करते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। इसके ठीक बाद इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर लीजिए, और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या रखा था, दैट रखा था। बट आपको माइंड ये करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से हो, तभी आपको ऐसा करना है। अब इसके ठीक बाद हमें सब्जेक्ट को ऐड करना होगा। सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए जितने भी प्रोनाउन इस सेंटेंस में आए, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए, उसका इनसे रिलेशन बनाइए। अगर रिलेशन बन जाए तो उस प्रोनाउन को उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिए। तो इस यू का रिलेशन किससे बन गया, मी से। जैसे सोचिए कि कोई लड़का मेरे पास है और वो कहे कि यू आर अ गुड प्लेयर, तो खिलाड़ी कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा ना। और इसी बात को अगर मैं आपसे बता रहा हूं तो मैंने आपसे क्या कहा, ही टोल्ड मी दैट, खिलाड़ी कौन हो गया, मैं। यानी यहां पर जो खिलाड़ी था ये क्या था, मी था। तो इसके लिए मुझे क्या रखना होगा, आई। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में इज एम आर का प्रयोग किया गया हो, रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो, तो इज एम आर को किस में बदल देते हैं, वॉज या वर में। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वॉज, और फिर क्या करेंगे, अ गुड प्लेयर। बस अब आप ध्यान से देखें तो जो ऊपर का स्टेटमेंट था ये कहलाएगा हमारा क्या, डायरेक्ट स्पीच, और इसको चेंज कर दिया हम लोगों ने किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। फ्रेंड्स इस लेसन को हम लोगों ने पहले भी देखा है और इसमें एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसको पहले भी समझ के रखा है। अब फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में यहाँ पर ध्यान दीजिए तो एक ही प्रोनाउन मैंने यूज किया है, इसमें कुछ और प्रोनाउन को ऐड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से, ही सेड टू मी यू आर माय फेवरेट प्लेयर। अगर ऐसा सेंटेंस होता तब हमें क्या करना होता, यू आर माय फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है कि यू आर माय फेवरेट प्लेयर। अब ऐसा सेंटेंस अगर मेरे पास आ गया है तो इसको समझेंगे आप कि कोई लड़का है जो मेरे पास आया और उसने कहा यू आर माय फेवरेट प्लेयर, तो प्लेयर कौन है, अभी भी मैं हूं, लेकिन मैं फेवरेट किसका हो गया, उसका, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। तो पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, मैं, लेकिन मैं पसंदीदा किसका हूं, उसका। तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखिएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज, यू के लिए क्या रखा हमने, आई रख दिया। बट इस माई का जो रिलेशन है वो किससे बन रहा है, ही से। क्यों बन रहा है, क्योंकि मैं उसका, उसका मतलब किसका, इस लड़के का। तो ही का जो उसका होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और इसके बाद सारी चीजों को कॉपी करना है, तो एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई।
इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या बना कि आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। अब पूरा सेंटेंस क्या बना, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। तो इसी तरीके से आपको देखना होगा कि जितने भी प्रोनाउन यहां पर आएंगे आपको सबका एक दूसरे से रिलेशन बनाना होगा, और जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, आपको नरेशन नहीं आने वाला। तो पहले समझिए कि मैंने आपसे क्या कहा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई फेवरेट प्लेयर। तो प्लेयर कौन हो गया, मैं, लेकिन किसका फेवरेट, उसका। तो मैंने इनडायरेक्ट में क्या बोला, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फेवरेट प्लेयर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर मैं इस ही की जगह लिख दू क्या सी, सी सैड टू, और इस मी की जगह मैंने क्या लिख दिया हिम, क्या आप इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कोई लड़की है जो किसी लड़के से बात कर रही है और वो क्या कह रही है कि यू आर माई फेवरेट प्लेयर। कोई लड़की थी जो किसी लड़के से बात कर रही है, सी का मतलब लड़की और हिम का मतलब क्या हो गया, कोई लड़का। इसको एक डायग्राम बनाकर समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई लड़की होगी, यानी ये क्या होगी सी, और ये कोई लड़का हो गया, यानी ये क्या हो गया हिम। ये हिम इसलिए है क्योंकि कहने वाली है, और ये क्या बन के आएगा ऑब्जेक्ट, कि जो लड़की है इस लड़के से कहती है और क्या कहती है कि यू आर माई फेवरेट प्लेयर। तो फेवरेट प्लेयर कौन, ये, लेकिन किसका, इसका। अब इस बात को ना कोई तीसरा व्यक्ति सुन लिया, मान लीजिए उसको मैंने सुन लिया, इन दोनों की बीच की बात थी और मैंने इसको सुन लिया। अब इस बात को, यानी इस लड़की ने जो इस लड़के से कहा था, इस लड़के ने इस बात को किसी से नहीं कहा, लेकिन मैंने सुन लिया कि उस लड़की ने उस लड़के से क्या कहा। तो मैं आपसे यही बताऊंगा ना कि सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम, यू आर माई फेवरेट प्लेयर। अब मैंने इसके सेंटेंस में, इसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये हमारा क्या कहला गया, डायरेक्ट कहला गया। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट करूंगा तो कैसे बोलूंगा, इसको समझिए। सबसे पहले मुझे क्या रखना होगा, सी रखना होगा, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेड टू को हटाकर टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हिम, तो सी टोल्ड हिम दैट। अब बताओ आपके प्लेयर कौन था, ये लड़का, ये लड़का यानी क्या हिम, और हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा ही, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा ही। अच्छा वो फेवरेट किसका था, इस माई का रिलेशन किससे बन गया, सी से, तो मुझे इस सी के लिए यहाँ पर माई की जगह क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। और मैं आपसे क्या बोलूंगा, देखिएगा ध्यान से, बोल मैं रहा हूं, सी टोल्ड हिम दैट ही वॉज हर फेवरेट प्लेयर। और ऐसा ही सेंटेंस देखिए मैंने आपके सामने बना दिया है। तो ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, और ये बन गई हमारी क्या इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे बढ़ाने की, तो आपको अगर ये बातें समझ में आ गई होगी तभी जाके आपको आगे का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात प्रोनाउन की करें तो वहां पर एक दो प्रोनाउन नहीं आ सकते, एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, और सबका एक दूसरे से रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। और अगर रिलेशन ना बने तो आपको सेम कॉपी कर देना है। एक एग्जाम्पल देकर इसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे अगर सी सैड टू, यहां पर हिम की जगह मी कर दिया मैंने, क्या लिख दिया मी, कि उसने मुझसे कहा। अब यहां पर यू को भी हटा देते हैं, आर को भी हटा देते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, सी सैड टू मी ही इज माई फेवरेट प्लेयर। अब ध्यान से देखिए कि इस ही का रिलेशन किससे बन रहा है, क्या इससे बन रहा है, नहीं, मैं तो खिलाड़ी नहीं हूं, क्या इससे बना है? नहीं, वो अपने लिए अगर कहती तो वो यहां पर क्या यूज करती, आई, और मेरे लिए कहती तो क्या यूज करती, वो यू। एक्चुअली वो लड़की मुझसे बात तो कर रही है, लेकिन वो जो प्लेयर है ना वो किसको कह रही है, इसको कह रही है। तो उसने मुझसे कहा, ये मैं मी हूं, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी कौन है यहां पर, ये लड़का। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट ही वॉज हर फेवरेट प्लेयर। अब यहां पर देखो ये इस ही का रिलेशन ना तो इससे बना ना इससे, तो इस ही को मैंने चुपचाप कॉपी कर दिया, और इस बात को आपको समझना होगा तभी काम बनने वाला है। अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब आपको दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करना है। जो बातें आपको समझ में ना आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कीजिए, ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में बात समझ में ना आए तो आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर बनती होंगी तभी जाके आगे का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर
रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस या फिर परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो जाए तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।